Assalamualaikum। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज बनाएंगे मछली सालन, बहुत ही ज़बरदस्त है, आलू के साथ। मेरे तरीके से बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। पहले मछली धुलना सीख लेते हैं, कैसे इतनी साफ मछली इतनी झटपट में धुली जाती है। ये देखिए मछली है, फिर इसमें राई का तेल डालेंगे एक चम्मच, फिर जाएगा एक चम्मच नमक जाएगा। इसको मिक्स करके अच्छे से हम पानी खोल लेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही क्लीन साफ होती है मछली। ये देखिए जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर आपको लगेगा वाकई बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। ये देखिए फिर ये चाकू से हल्का रगड़ लेंगे इसका, अच्छे से हम साफ कर लेंगे सब। ये देखिए हमारी मछली धुल गई है, बहुत ही इजी तरीके से हो चुकी है। पानी देख रहे हैं कितना साफ हो चुका है मछली का। इसको ज़रूर एक बार आप ट्राई करिएगा इसे धुलना, तो आपको ही पता चलेगा फिर। ठीक है, फिर हम इसमें मसाला लगा के मछली को रखेंगे एक घंटा। ये देखिए हम मछली को बर्तन में डालते हैं, कुछ इसमें मसाला जाए, एक चम्मच नमक जाएगा इसमें, फिर एक चम्मच हल्दी जाएगी इसमें। ये देखिए फिर इसमें हमारा पिसा हुआ लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जाएगा 3 से 4 चम्मच। देखिए इसको अच्छे से मिक्स करके हाथ से फिर हमको इसको रखना है 1-2 घंटे के लिए। जितना रखेंगे उतना अच्छा मछली होगी। हम 1 घंटे के लिए रखेंगे इसको। फिर हम एक पैन लिए हैं, पैन में 1 चम्मच हम जीरा डालेंगे। हमें 5 से 6 काली मिर्च डालेंगे हम। फिर मेथी दाना डालेंगे थोड़ा से, 10-15 के करीब। फिर 2 लाल मिर्च डालेंगे खड़ी, फिर 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। डाल के सबको अच्छे से भून लेंगे हम। ये देखिए हमारा भून गया है मसाला, फिर इसको हम पीस लेंगे इस मसाले को। फिर एक हम पैन लिए हैं, पैन में तेल डाले हैं, राई का अच्छे से हो गया है, फिर उसमें मछली हम एक एक करके डालेंगे। इसको हमें मछली को फ्राई करना है पहले। ये देखिए मछली सारी चली गई है, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। इसको डन कर रहे हैं, ये देखिए
ये देखिए हमारी फ्राई हो चुकी है मछली, हम निकाल रहे हैं इसको। बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हुई है। अभी इस पैन में हम आलू फ्राई करेंगे। आलू 3 मीडियम हम काट लिए थे, ये फ्राई करेंगे उसी तेल में जिसमें मछली फ्राई किए थे। अच्छे से हम गोल्डन फ्राई करेंगे ये आलू, अच्छे से हो जाएगा आलू एकदम। देखिए ये देखिए आलू हो चुका है, एकदम लाल हो चुका है, बहुत ही अच्छा फ्राई हुआ है। फिर हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में तेल डालेंगे राई का, फिर उस तेल अच्छा हो जाएगी। हम 2 टमाटर पीसा हुआ डालेंगे इसमें, इस तेल में। फिर इसमें डालेंगे जो हम मसाला भुने थे ना, वो पीस के इसमें डाले हैं। फिर इसमें जाएगा 5 से 6 अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट जाएगा। फिर इसमें थोड़ी हल्दी पाउडर जाएगी। ये देखिए फिर इसमें थोड़ा नमक जाएगा। सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये हम। अच्छे से भून लेंगे मसाला डालने के बाद, तो अदरक लहसुन की महक ना रहे। ये देखिए मसाला अच्छे से भून गया, अच्छे से देखिए तेल छोड़ चुका है ऊपर, ये देख रहे हैं जैसे आप वीडियो में। फिर इसमें हम डालेंगे जो आलू फ्राई किए थे वो जाएगा इसमें। देखिए आलू को डाल के अच्छे से हम भून लेंगे इसको, थोड़ा दम पे रखेंगे आलू को। ये देखिए आलू को 5 मिनट हम दम पे रखे हैं क्योंकि आलू हो जाए। ये देख रहे हैं ना कितना ज़बरदस्त कलर आया है। ये देखिए मेरा आलू भी हो चुका है और बहुत ही अच्छा मसाला भी बन चुका है। देखिए अब मैं मछली फ्राई किए थे वो डालेंगे इसमें, सारी जाएगी। और इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे जिसमें हम मछली रखे थे, उसमें तेल लगा है, उसी में करके हम पानी डालेंगे 1/2 कप। ये देखिए मेरे को फेंकना नहीं है, ये देखिए फेंक करके डाल रही हैं हम। अब इसमें एकदम स्लो आंच पे 5 मिनट के लिए हम रख देंगे मछली डालने के बाद। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हुई है, ये फ्राई हमारी मछली हो चुकी है। बस इसमें एक चीज़ और डालेंगे, कसूरी मेथी लास्ट में डालेंगे, डाल के इसको बंद कर देंगे। इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिए, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।